स्वागत है आपका फिर से। हाँ चलिए, अभी पहले भाग में मैंने आपको बताया कि अभिनेता बनने से पहले हमें एक रंगकर्मी के रूप में तैयारी करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अब बतौर अभिनेता हमें क्या करना चाहिए। अभिनेता के लिए सब अगर चार काम बोलना, सुनना, देखना और प्रतिक्रिया देना, अगर चार चीजें आप सीख लें, बोलना बतौर अभिनेता, अपनी बात अपने संवाद को बोलना, सामने वाला अभिनेता क्या कह रहा उसको सुनना, तीसरी चीज है देखना। ज्यादातर कलाकार आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। देखना और प्रतिक्रिया देना, उस पर रिएक्शन देना, ये चार चीजें अगर आप सीख ले बतौर अभिनेता तो मुझे लगता है कि आपने 50% काम कर लिया है। 50% बतौर अभिनेता आपने अपने ऊपर काम कर लिया है। अगर इसी को हम नाट्य शास्त्र में जाएं, वहां पर आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार बताया गया है। आंगिक जिसमें हम अपने हाव भाव से अभिनय करते हैं, वाचिक जो हम बोलकर अभिनय करते हैं, सात्विक में है कि उस चरित्र को सबको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, एकाग्रता के साथ उस चरित्र में खो जाते हैं, सात्विक हुआ। फिर आहार, आहार जो बाह्य आडंबर है, उसमें मुखसज्जा है, वेशभूषा है, ये सब चीजें बाह्य जो है ये आहार में आती हैं, क्योंकि कुछ चीजें इस तरह से होती हैं सिंबॉलिक कि जैसे ही हम उसको धारण करते हैं तो दर्शक समझ जाते हैं कि ये इस करेक्टर को करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि जैसे ही 10 मुंह लगा देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये रावण या दशानन का रोल करने के लिए जा रहे हैं। सर पर मुकुट देखते हैं, लंबा बाल विग वगैरह देखते हैं तो लगता है कि हाँ कोई राजा वगैरह है, उसका करने जा रहे हैं। तो ये जो हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, हेडगेयर्स होते हैं, हमारी वेशभूषा है, मेकअप है, ये सब देख कर भी दर्शकों को एहसास होता है कि क्या करने जा रहे हैं। अब होता क्या है कि ठीक है, मैंने रट के अपना डायलॉग तो याद कर लिया, संवाद बोलना सीख लिया, कैसे बोला जाता है, उतार चढ़ाव सीख लिया, कहाँ सांस लेना है, कहाँ रुकना है, ये सब बोलना तो मैंने सीख लिया क्योंकि बोलना तो पड़ेगा एक अभिनेता के रूप में। अब सुनना, सामने वाले एक्टर को हम सुनते नहीं, होता क्या है कि आगे हमारा डायलॉग क्या आने वाला है, हम उसी धुन में लगे रहते हैं, ये डायलॉग इसका खत्म होगा तो इसके बाद ही हम ये बोलेंगे, जबकि सुनना कितना जरूरी है। अगर हम किसी सामने वाले को सुन रहे हैं, आप अपनी लाइफ में इसको ऑब्जर्व करिए, कहीं पर किसी से बात कर रहे हैं, चौराहे पर खड़े हैं, पान की दुकान पर खड़े हैं, या अपने टीचर के सामने आप बैठे हैं, टीचर कुछ बोल रहा है, वाकई अगर आप सुन रहे होंगे तो आपका उसमें रिएक्शन बराबर आता रहेगा। अगर आप सुनेंगे ही नहीं, आप सोच कुछ और रहे हैं, ध्यान कहीं और है, तो आप उस पर रिएक्शन ठीक से नहीं देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि एक अभिनेता को बोलने के साथ साथ एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, सुनना चाहिए। आप अगर सुनेंगे तो आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में वो एक्सप्रेशन अपने आप तैरने लगेगा, आप वो एक्सप्रेस कर जाएंगे। कहीं मुस्कुराने की बात है, आप मुस्कुरा देंगे, कहीं गुस्सा आने वाली बात है तो आपको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आप उसकी बात को सुन रहे हैं और उस सुनने में उसी रस के हिसाब से आपके अंदर भी वो रस पैदा हो रहा है और वो भाव पैदा हो रहा है। सिर्फ आपने बोलना और सुनना भी किया, अब देखना क्या है। तमाम ऐसे कलाकारों को मैंने देखा है, वो अपने में ही रमे रहते हैं,
अपना ही किए जा रहे हैं। सामने वाला एक्टर कुछ बोल रहा है, ऑडियंस तरफ मुंह करके कुछ अपनी रामायण गाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि तारतम्य नहीं बन पाता है। आप एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो आंखों में देखकर बहुत कुछ महसूस करते हैं। तमाम आप शायरों को सुनिए, मैंने उसकी आंखों में देखा तो ये हुआ, उसकी आंखों में खो गया ये हुआ। तो आंखें बहुत कुछ कहती है, आंखें बहुत कुछ सुनती हैं, आंखें बहुत कुछ समझती हैं। भगवान ने इतना खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट हमें दिया है, इतनी खूबसूरत चीज हमें दी है, तो उन आंखों का उपयोग क्यों ना किया जाए, उसी के हिसाब से हम क्यों ना चीजों को एक्सप्रेस करें। एक इतना बड़ा हमारा है चेहरा, इसी में अगर देख लें ये सारी क्रियाएं, अगर देखिए तो क्रियाएं सारी यहीं पर हैं। बोलना मुंह से हो रहा है, सुनना कान से हो रहा है, देखना आंख से हो रहा है, और भावाभिव्यक्ति जो हो रही है पूरे चेहरे से हो रही है। इतनी दूर से सारी एक्टिंग हो रही है, जो आंगिक अभिनय हम कर रहे हैं। अगर आप फिल्मों में जाएंगे, कैमरा ला के उन्होंने टाइट क्लोजअप लगा दिया, तो ये जो थिएटर वाले जाते हैं हाथ पैर चलाते हैं ना, वो तो वहां कुछ नहीं आएगा। तो इससे एक्टिंग करना सीखिए, चेहरे से अभिनय। ये तभी आएगा जब आप सुनेंगे, देखेंगे, बोलेंगे और एक्सप्रेशन अपना देंगे। ये चीज आपने सीख लिया। अब बैक स्टेज की जो चीजें हैं उसको आप सीखिए, जाइए लोगों के पास। कोई नाटक हो रहा है, क्योंकि मैं देखता हूं नाटक में जो भी आते हैं ना आजकल लड़के, वो सब एक्टिंग के लिए आते हैं, बैक स्टेज काम के लिए कोई नहीं आता। अगर किसी को बैक स्टेज के लिए कह दीजिए तो लगता है कि उसकी बेइज्जती की जा रही है, उसको कम आंका जा रहा है, तो वो चाहता है कि उसको रोल मिले बैक स्टेज नहीं। जबकि मैं सही बताऊं, आप बैक स्टेज में जाकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप एक दो नाटकों में चाहे एक लाइन का डायलॉग लीजिए, कोई छोटी सी एंट्री ले लीजिए, बाकी में बैठकर सामने से आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि ये ब्लॉकिंग ऐसी क्यों हो रही है, डायरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है। ग्रीन रूम में जाइए, मेकअप जब हो रहा है मेकअप देखिए, जनरल मेकअप क्या होता है, सिंपल मेकअप क्या होता है, करेक्टर मेकअप क्या होता है, स्टाइलाइज मेकअप क्या होता है, इन मेकअप के बारे में जानिए, क्रेप वर्क कैसे होता है, बेस कैसे लगाया जाता है। तो जब आप इन चीजों को देखेंगे, समझेंगे, आप उनसे, जो मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप मैन है, आप उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, इनको इतनी लंबी चौड़ी मूछ क्यों लगा रहे हैं, इनको यहाँ मक्खी मूछ क्यों लगा रहे हैं, इनको इस तरह से डाउन मूछ क्यों लगा रहे हैं, चेहरे पर ये ब्राउन पेंसिल से आप लकीरें क्यों खींच रहे हैं, इनका क्या मतलब है। एज मेकअप के लिए ब्राउन पेंसिल यूज करते हैं ना, तो आप जो मेकअप आर्टिस्ट हैं या कहीं मेकअप की क्लास हो रही है तो वहां जाकर आप पूछिए कि इसका मतलब क्या होता है। आप इनको ब्लैक क्रेप लगा रहे हैं, आप इनको ब्लैक और व्हाइट मिक्स करके क्यों क्रेप लगा रहे हैं, आप इनको सिर्फ व्हाइट क्रेप क्यों लगा रहे हैं, इन चीजों को आप सीखिए। क्योंकि कोई करेक्टर होता है, जब उसका मेकअप किया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि भी देखी जाती है, वो क्या है, नाटक में क्या भूमिका कर रहा है, किस तरह की उसकी वेशभूषा होगी, किस तरह के उसकी मुखसज्जा होगी, उसी तरह किया जाएगा। लोगों को मेकअप के बारे में नहीं पता। सबसे पहली चीज है कि बतौर एक्टर आपको अपने चेहरे की रीडिंग पता होनी चाहिए। आपका चेहरा गोल है, चौकोर है, किस तरह का आपका शेप है, आपके ऊपर फ्रेंच कट दाढ़ी अच्छी लगेगी, हरी दाढ़ी अच्छी लगेगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा यहाँ से निकला हुआ यहाँ ब्लैक लगा के काट दीजिए। तो जब तक आपको अपने चेहरे की रीडिंग ही नहीं पता, चेहरे के बारे में नहीं पता, आप मेकअप के बारे में कैसे समझ पाएंगे, कैसे सीख पाएंगे। तो इसलिए ये सीखना, मेकअप सीखना बहुत जरूरी है। इसी तरह से कॉस्ट्यूम पर आ जाइए। कॉस्ट्यूम क्यों जरूरी है, एक को तो राजा बना दिया गया, चमकीले कपड़े बिल्कुल फर्स्ट क्लास नए कपड़े से सजा दिया गया मुकुट लगा के, अब आपको एक फटा सा कपड़ा, गंदा सा कपड़ा पहना दिया गया, आपके घर वाले आएंगे देखने के लिए, अच्छा खासा लड़का गया था नाटक करने के लिए, ये इसका क्या हाल हो गया यहाँ पे। तो आप घर वालों के बारे में मत सोचिए, आप अपने करेक्टर के बारे में सोचिए, ये पूछिए अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा मुझे क्यों बताया गया है। आप एक गरीब किसान हैं, आप एक भिखारी की भूमिका में आए हैं,
आपको वहां पर चमकता कपड़ा नहीं पहनाया जाएगा, वहां पर आपको फर्स्ट क्लास अलीगढ़ी पैजामा कुर्ता पहना के नहीं खड़ा करेंगे शॉल देके। आप गरीब हैं, पृष्ठभूमि के हिसाब से आपको कॉस्ट्यूम दी गई है, ये सीखिए आप, आपको ये काम आएगी बतौर एक्टर। इसी तरह से संगीत का है, संगीत लेना, संगीत आपको मूड देता है, कभी कभी संगीत बजता रहता है उसी में हम डायलॉग बोलना शुरू कर देते हैं। आपको गाना गाने के लिए कहा गया है, कहाँ पर गाने का सम आ रहा है, स्थाई कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ से अंतरा शुरू होगा आपको पता ही नहीं है। आप बीच में आप गाना शुरू कर दे रहे हैं, 1 महीना 40 दिन की रिहर्सल सारी चौपट हो गई, बेकार हो गई। तो ये आपको जानना जरूरी है कि सम क्या होता है, स्थाई किसको कहते हैं, अंतरा किसको कहते हैं, किस सुर पे गा रहे हैं, ये काला क्या होता है, पीला क्या होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप तो कहेंगे हम तो एक्टर बनने गए हैं। भैया थिएटर में एक कोरस होता है, वहां सबको मिलके गाना पड़ता है जी। कई जगह तो सब मिलके गाते हैं, कर्टन कॉल में भी सब गाते हैं। शुरू में कभी हम कोई फोक थिएटर अगर कर रहे हैं तो उसमें शुरू में नौटंकी वगैरह जैसे होती है, सारे कलाकार आते आके गा के प्रार्थना करते हैं, पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये नाटक सफल हो, आप आए यहाँ विराजमान हो, जैसा कि संस्कृत नाटकों में होती है, संस्कृत नाटकों में करते हैं कि उनकी वहां पर प्रतिष्ठा की जाती है कि आप आए यहाँ मंच पर विराजमान हो और हम जो कुछ करने जा रहे हैं इसको आप सफल बनाए, उसमें सब गाते हैं। हाँ जो बिल्कुल ही असुर होते हैं, सुर में नहीं होते हैं, उनको कहा जाता है कि भैया अगर आप ससुर नहीं है असुर हैं तो आप सिर्फ मुंह चलाइएगा, आवाज मत निकालिएगा, तो उनको फिर ये कहा जाता है। क्योंकि थिएटर में हम लोग काफी कुछ चीटिंग करते हैं, चीटिंग होती है और हमेशा करते हैं। जब कभी कभी कोई डायलॉग भूल जाता है तो हम लोग स्क्रिप्ट से अलग हट के इम्प्रोवाइज भी कर लेते हैं, क्योंकि जो चलना चाहिए। और ये कला भी आपको तभी आएगी जब आप रगड़े जाएंगे, आप थिएटर के हर पहलू से परिचित होंगे, बिल्कुल बहुत जरूरी है, तभी आप इम्प्रोवाइज भी कर पाएंगे। क्योंकि थिएटर में इम्प्रोवाइज कराया जाता है, इम्प्रोवाइजेशन दिया जाता है कि आप इस सीन को इम्प्रोवाइज कीजिए, ये सिचुएशन है, आपका करेक्टर ये है, आपको कीजिए। अगर आप कर चुके हैं तो आप कर ले जाएंगे, नहीं तो पता लगा सामने वाला बोल रहा, आपने बोलना शुरू कर दिया, ओवरलैपिंग हो गई, ऑडियंस तुरंत समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, ओवरलैपिंग हो गई, इन्होंने गड़बड़ कर दिया। अच्छा आजकल की ऑडियंस जो है ना, हम लोगों से ज्यादा होशियार, 1 मिनट में वो समझती है, जहां आप सांस लेने के अलावा रुके ऑडियंस तुरंत समझ जाते हैं भूल गया ये। वहीं से जो है वो बोलते नहीं कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये भूल गया, सामने वाला एक्टर जो है संभाल लिया या आपको याद आ गया तो कर लिया। लेकिन एक काम और करना चाहिए, अगर सामने वाले एक्टर ने आगे का क्यू दे दिया है तो आप प्लीज अब आगे जाइए, क्योंकि उस गलती को फिर से अगर आप रिपीट करेंगे, अरे मुझे तो याद आ गया मैं फिर से बोलता हूँ, आप गलती करने जा रहे हैं। एक गलती के बाद हम गलती को बार से बार बार रिपीट करना चाहते हैं, इसका मतलब एक गलती आ गई है, हो सकता है कि ऑडियंस ना पकड़ पाए, इसलिए आगे बढ़ जाइए। हालांकि शुरू में जब मैंने भारतीय नाटक आदमी में एक नाटक किया था, मुद्रा राक्षस साहब ने डायरेक्ट किया था, तो 10 पेज हम लोग आगे जाते थे, 5 पेज पीछे आते थे। नाटक जो है 2.5 घंटे 3 घंटे चलते चला जा रहा है, नाटक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सर कुछ सवाल भी आए हैं जी, कुछ सवाल भी आए हैं तो। हाँ तो अभी सवाल के लिए मैं बिल्कुल अब खत्म करने जा रहा हूँ। बैक स्टेज सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, अभिनेता के लिए तैयार हैं, अब आप अपने स्क्रिप्ट पर काम कीजिए जो आपको करेक्टर दिया गया है। अब करेक्टर पे कैसे काम करना चाहेंगे आप? दरअसल एक करेक्टर पर काम करने के लिए सिर्फ हम एक लाइन में बताना जा रहे हैं कि आप अपने अंदर के मैं को खत्म कर दीजिए। अगर सात्विक अभिनय करना है तो आप अपने अंदर के मैं को खत्म कर दीजिए। मान लीजिए एक बर्तन है, ये मान लीजिए गिलास है, अब इसमें पानी भरना है मुझे, सबसे पहले तो इसमें अगर कुछ भरा है, इसमें रखा है, तो सबसे पहले तो इसको खाली करना पड़ेगा ना, तभी तो हम इसमें कुछ भर पाएंगे। इतनी सारी चीजों से, इतने संकोच से, इतने
भारी बोझ से हम दबे हुए दिमाग में इतनी चीजें भरी हुई हैं कि हमारा ये पात्र खाली ही नहीं हो रहा है। इतनी ज्यादा अवरोध हैं, उस चरित्र को हम अंदर ले ही नहीं जा पा रहे हैं। तो सबसे पहले उस मैं को खत्म कर दीजिए। मैं को जब आप खत्म कर देंगे तो कैरेक्टर जो है दूध की तरह होता है, एक कैरेक्टर जो है पानी की तरह होता है। दूध और पानी को एक में मिला दीजिए, जब दोनों एक में मिल जाएंगे उस पात्र में आ जाएंगे। अब दर्शक जब नहीं बता पा रहे हैं कि इसमें दूध में कितना पानी मिला हुआ है, कितना दूध है, इसका मतलब आप चरित्र में खो गए हैं। चरित्र अब आप सात्विक अभिनय के लिए तैयार हैं, ये जमीन तैयार हो गई है। अब ब्लैक बोर्ड पर आपने मिटा दिया है सब कुछ जो पहले लिखा गया था, आप एक नई इबादत लिखने जा रहे हैं, ये सात्विक अभिनय है। अब जो करेंगे वो निश्चित रूप से अच्छा होगा, सुखदायी होगा। तो मैं लास्ट में कहता हूं, एक जो रंगकर्मी की रंग पटुता है और अभिनेता का अथक प्रयास है, ये मिलकर रचते हैं एक अद्भुत इतिहास। तो आप इस तरह से अद्भुत इतिहास रच सकते हैं। इसी के साथ मैं आज अपना ये संवाद बंद करता हूँ। अब जो भी आप लोगों के प्रश्न हो पूछिए, अगर जवाब दे सकते हैं तो अच्छी बात है। प्रश्न पूछिए जिन्हें पूछना है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं लखनऊ में बिंद सांस्कृतिक समिति लखनऊ सेक्रेटरी हूँ। जी जी स्वागत है। और सर पिछले 16 सालों से मैं अभिनय कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, अब तो आप एडल्ट होने जा रहे हैं। सर एक क्वेश्चन, आप एडल्ट हो गए। जी सर 16 साल हो गए, अब आप एडल्ट हो गए रंग कर्म में। जी सर रंग कर्म में सर पूरी तरीके से लिप्त हो चुके हैं। जी जी सर एक सर सवाल मन में आया था सर, ज्यादातर जब भी हम लोग कोई कास्टिंग करते हैं प्ले की या सर कोई भी कैरेक्टर को तैयार करते हैं, तो सर उसमें एक चीज कैरेक्टर्स की तरफ से आर्टिस्ट की तरफ से आती है कि सर हमें कोई एक अच्छा रोल दीजिएगा क्योंकि मुझे बॉम्बे जाना है। और सर एक और चीज आ रही है आर्टिस्टों की तरफ से, क्योंकि सर इससे पहले मैंने एक प्रोडक्शन किया था अपने लखनऊ में बगिया बादशाह नाम की, मनोज मित्रा जी का लिखा हुआ। जी सर उसमें सर उसमें एक ये सबसे बड़ी परेशानी आ रही है आजकल आर्टिस्टों में कि सर आर्टिस्ट आजकल। आपका शुभ नाम महर्षि कपूर है? जी सर। हाँ कपूर साहब, इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल सही सुझाव देता हूँ कि उनसे कहिए कि अपना समय बर्बाद मत करें, जो पहली गाड़ी में रिजर्वेशन हो सकता है वो जल्दी जल्दी बॉम्बे चले जाएं, क्योंकि जितना जल्दी पहुंचेंगे वो सीनियर हो जाएंगे, बाद में जाएंगे तो वहां जूनियर हो जाएंगे। इसलिए उनसे कहिए थिएटर में अपना समय बर्बाद मत कीजिए, आप जल्दी जल्दी वहां चले जाइए, ठीक है? ये अच्छा काम आप करेंगे, क्योंकि अगर एक साल बाद एक एक्टर जाने वाला है तो आपकी सारी मेहनत बेकार होने वाली है। आप जिसके ऊपर काम करने जा रहे हैं आपकी सारी मेहनत बेकार होने जा रही है, तो आप उसको ज्यादा एंटरटेन मत कीजिए, सीधे जवाब दीजिए भाई साहब लखनऊ में रिजर्वेशन कराइए और जाइए वहां पे। नेक्स्ट सर 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 ये भी सर एक बार जवाब हम लोग दे चुके हैं सर, उसके बाद सर एक जवाब आया कि सर आप एक ऐसा सर्टिफिकेट बना दीजिए जिसमें 6-7 प्रोडक्शन आप दिखा दीजिए जिसमें मैं बॉम्बे जाके दिखाऊं मुझे काम मिल सके। हाँ तो ठीक है, उनको मेरे पास भेज दीजिए, कहिए 5 लाख लेके आ जाए मेरे पास, मैं उनको करा दूंगा तैयार। 5 लाख दे देंगे, मैं उनके लिए ही नाटक करूंगा, करा दूंगा उनको तैयार। सर साउथ से कोई एक लड़के का फोन पिछले 20 दिन से आ रहा था, वो बार बार फोन करके कह रहा है कि मुझे एनएसडी में एडमिशन चाहिए। मैडम आपको पैसे चाहिए ले लीजिए, लेकिन मुझे 4-5 सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए। अच्छा जी, तो मैं अब आपका एड्रेस उनको देने वाली हूँ। अगर वो बॉम्बे भी जाएंगे कहीं एक्टिंग सीख के ना, तो वहाँ उनका सर्टिफिकेट एक्ट नहीं करेगा, एक्टिंग उनको नहीं करनी। और एक चीज उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1 साल के लिए सितंबर से कोर्स शुरू करने जा रहा है, सिर्फ 1 साल का। वो इसी शायद जुलाई लास्ट वीक में उसकी लास्ट डेट है, 30 या 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, फॉर्म भर दें, 1 साल का कोर्स करें। उनकी किस्मत है कितनी तैयारी के साथ आते हैं, उनका एडमिशन हो सकता है, फिर वो जहाँ जाना हो जाएं अपना काम करें।
आज की जनरेशन में शॉर्टकट बहुत ज्यादा है, उनको लगता है त्वरित बस इधर चुटकी बजाई और काम हो गए। वो मैंने पहले ही कहा, आपसे पहले बता दिया था, क्योंकि मैं भी ग्रुप चलाता हूँ तो ये सारी समस्याएं हमारे सामने भी आती हैं। और अब तो जो एक्टर आते हैं सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि सर्टिफिकेट के लिए आ रहे हो या काम करने के लिए आ रहे हो, क्योंकि 2 साल तक मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, 2 साल बाद ही मैं सर्टिफिकेट दूंगा। तो अब काफी लोग मायूस होकर चले जाते हैं। और समझ तो गया है 20 का। चलिए अगला कोई सवाल पूछने वाला है। जी आवाज जी बताइए। नमस्कार सर, जेपी सर। जी नमस्कार, जी नमस्कार जी। विजयानंद दुबे जी, विजयानंद दुबे ओम मंच पर स्थित छिंदवाड़ा सर, और मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल में मैं गुणवत्ता सुधार समिति का सदस्य हूँ। एक प्रश्न मुझे हमेशा जो कौनता है बार बार, वो आज आपसे के नाम अगर मुझे उसका उत्तर मिलेगा और मैं संतुष्ट हूँ तो मजा आ जाएगा मुझे। क्या नाटककार जो भी रंगकर्मी एक्टर डायरेक्टर राइटर जो भी हो, क्या उसे कोई पर्टिकुलर राजनीतिक विचारधारा को लेकर नाटक करना चाहिए और वैसे लोगों से ही संबंध रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा आमतौर पर देखा जाता है सर, इस संबंध में आपकी क्या राय है? देखिए, एक व्यक्ति के रूप में आपकी कोई भी विचारधारा हो सकती है। आप किसी भगवान की पूजा करते होंगे, किसी देवता की पूजा करते होंगे, लेकिन जैसे ही आप मंच पर पैर रखते हैं या नाटक लिखना शुरू करते हैं या अभिनय करना शुरू करते हैं, अब आपको तटस्थ होना पड़ेगा, निष्पक्ष होना पड़ेगा। जो डायरेक्टर ने आपको चरित्र दिया है उसके हिसाब से अभिनय करना पड़ेगा। अब अभिनय करते समय मैं तो ये नहीं कह सकता नहीं मैं ये इस विचारधारा का हूँ, मैं ये संवाद नहीं बोलूंगा, मेरी विचारधारा से मैच नहीं करता है। वहां पर विचारधारा नहीं, आप एक कलाकार हैं, आप कलाकार के रूप में काम कीजिए। जो भी आपको आलेख मिला है उस आलेख के अनुसार काम कीजिए। अगर आप आलेख लिखना चाहते हैं, नाटककार की तरह आपने लिखा है, तो जो आप देख रहे हैं, जो आपने महसूस किया है, उसको बिल्कुल निष्पक्ष रूप से लिखिए, निष्पक्ष होकर लिखिए। अगर आप विचारधारा किसी देवी देवता को लेकर लिखेंगे कि मैं तो हिंदू हूँ, हिंदू धर्म को लेकर लिखूंगा, मैं क्रिश्चियन धर्म को लेकर क्यों लिखूं, मुस्लिम धर्म को लेकर क्यों लिखूं, इसका मतलब आप न्याय नहीं कर रहे हैं। आप जो है बंधे बधाए हैं, एक कुएं के मेढक की तरह बने हुए हैं, आप उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप कुएं के मेढक जब बनना चाहें कुएं के मेढक बन जाइए, लेकिन जब आपको स्वच्छंद होने स्वतंत्र होने का मौका मिल रहा तब तो हो जाइए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि। आज के युवा वर्तमान में मंच के पीछे ज्यादा काम क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको हीरो बनना है, क्योंकि सब आगे रहना चाहते हैं। अखिलेंद्र सर ने कल कहा कि वो बैक स्टेज के हीरो है, उनने कई सालों तक बैक स्टेज पे काम किया, तब के जाके उन्हें एक या दो लाइन बोलने का मौका मिला। और ये जो सर आपने भी शुरुआत में यही कहा था कि आप अपने आप को रगड़िए, मुझे गीतांजलि जी, मुझे एक चीज ये लगता है कि अगर आप कुछ दिनों तक, थोड़े समय तक, देखिए अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो सबसे पहले आप फर्स्ट से शुरू करते हैं ना। कहीं पर एडमिशन हमारा डायरेक्ट 6th में या 9th में हमारा एडमिशन नहीं होता ना, तो क्या थिएटर इतना गया गुजरा है कि आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, थिएटर में डायरेक्ट एक्टर बनना चाह रहे हैं? थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं पढ़ने की जो बात कर रहा हूं कि डायरेक्ट न जाके, बैक स्टेज हमें अनुशासन सिखाता है, इस सीन के बाद हमें ये सेट हटाना है, बिल्कुल ये सेट लगाना है, इस सीन के बाद मुझे अपना गेटअप चेंज करना है, और इतने मिनट में हमें कॉस्ट्यूम बदलना है, हमारी एज बढ़ गई है, हमें अपना बाल सफेद करना है, गेटअप चेंज करना है। उस टाइम पीरियड में आप सब कुछ चेंज करके जाते हैं, और जो बैक स्टेज में काम करने वाले लोग हैं वो सेट को चेंज कर रहे हैं कि ठीक है ये सेट हटा, अब मुझे राज दरबार लगाना है, राज दरबार लगा दे। एक भी चीज अगर रह गई, राजा की कुर्सी नहीं आई, सेट चौपट, सेट गड़बड़ हो गया, जो थिएटर को नहीं जानते,
थिएटर को नहीं समझते, वो लोग यही कहते हैं कि यार इतनी जल्दी सब कुछ चेंज कैसे कर दिया। वो देखिए डिसिप्लिन सिखाते हैं कि आप लोग इस तरफ से आएंगे, सामान उठाने वाले इस तरफ से आएंगे, इस तरफ से लेके जाएंगे, और एक दूसरी तरफ से सेट लगाने वाले आएंगे, सेट को लगाएंगे। यहाँ पर राजा को लड़ने के लिए हमें तलवार देना है, आप में अनुशासन ही नहीं, डिसिप्लिन नहीं, आपने तलवार की जगह डंडा पकड़ा दिया उनको लड़ने के लिए, और ब्लॉक नहीं पहुंचा, कुर्सी नहीं पहुंची, पर्दा नहीं उठा, इन सब चीजों से हम डिसिप्लिन सीखते हैं। और थिएटर में अनुशासन, टाइमिंग बहुत जरूरी। सर हमारी तो सेट चेंज करने की भी रिहर्सल होती है, उसका टाइम भी काउंट होता है, उसका टाइम भी काउंट होता है, ड्रेस जो कॉस्ट्यूम चेंज होती है उसकी भी रिहर्सल करके उसका काउंट किया जाता है कि यदि सामने वाला फंस गया है तो उसको आपको एक डेढ़ मिनट तक अपने आप को कैसे उलझा के रखना है जब तक वो आ नहीं जाए। बिल्कुल बिल्कुल, पहले जो सीन्स होते थे, आप पौराणिक नाटक देखिए या संस्कृत नाटक देखिए, बीच बीच में वो विदूषक आता है, कुछ कुछ आते हैं, थोड़ा सिक्वेंस करते हैं, हंसाने के लिए कुछ करते हैं, कभी कभी वो नाटक से संबंधित होता, कभी कभी नाटक से संबंधित नहीं भी होता है, तो ये चीजें होती हैं, सीन जो बीच में बदल रहे होते हैं, इससे निश्चित रूप से हमें अनुशासन आता है, टाइमिंग कि इतने समय में बदलना है। और जैसे लोग कहते हैं कॉमेडी प्ले में कि टाइमिंग बहुत जरूरी है, अगर आप थिएटर में रहकर आपने अनुशासन नहीं सीखा, टाइमिंग नहीं सीखी, तो फिर बतौर एक्टर भी आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा सब। रजत सिंह जी पूछिए आपको क्या पूछना है। वो ये जो पूछना चाहते हैं वो अभी अभी आए हैं, उनने मतलब थिएटर को अभी अभी ज्वाइन किया है, तो वो पूछना चाहते हैं कुछ, पूछिए। सर मैंने अभी अभी थिएटर ज्वाइन किया है, तो सर ने मैंने जो मेरे गुरु हैं वो बोलते हैं कि आप रीडिंग करो, तो मैं अभी रीडिंग स्टार्ट किया हूँ। तो रीडिंग कैसे करना है मैडम, जैसे एक जैसे फ्लैट में पढ़ना है कि उसको समझ के जो बोलना है, उसके बारे में जानकारी चाहिए थी हमको। ठीक है, अच्छी बात है, आप सबसे पहले तो आप थिएटर में आए हैं, आपका स्वागत है। सही, आप थिएटर की दुनिया को एंजॉय करना शुरू कीजिए, थिएटर को बर्डन की तरह मत लीजिएगा, थिएटर के हर पल को, हर रिहर्सल को, उसको एंजॉय कीजिए, और अपना समय इधर उधर बात करने मत लगाइएगा, सामने बैठकर रिहर्सल देखिए। ज्यादातर लोग जब दूसरे का सीन चल रहा होता है तो गायब हो जाते हैं, आप उस चीज को बैठ के देखिए कि ये ब्लॉकिंग क्यों की जा रही है, मूवमेंट क्यों दिया जा रहा है, इसका मोटिवेशन क्या है। अब जो आपके सर ने कहा है बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत अच्छा उन्होंने कहा है, अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर को लीजिए, उसको बैठ के आप मन में मत पढ़िए, उसको जोर जोर से पढ़िए, हो सकता है कि आपके घर वाले एक बार कहें कि क्या पागल हो गया है, क्या कर रहा है, लेकिन आप किसी को मत सोचिए, किसी को मत देखिए, उनको बता दीजिए कि मुझे जोर जोर से पढ़ना है, और उसको स्पीड में मत पढ़िए, रोक रोक के पढ़ेंगे तभी एक एक क्रिस्टल, एक एक शब्द क्लियर होगा। आज प्रधानमंत्री लद्दाख के दौरे पर गए, उन्होंने वहां पर सेना के जवानों से ये कहा, पूर्ण विराम, सांस लीजिए, जोर जोर से पढ़िए, रुक के पढ़िए, जहां उच्चारण पे आपको थोड़ा सा डाउट होता है कि ये उच्चारण स है, श है, क्ष है, दंति तालब जो मूर्धन्य होता है, इनमें जिंदगी है, जिंदगी है, उन चीजों को कहीं अंडरलाइन कर दीजिए, फिर अपने किसी सीनियर से उसको पूछिए, और कभी एक सेंटेंस बना लीजिए, सेंटेंस लीजिए और उसको तरह तरह से बोलना शुरू कीजिए। मैंने एक बार कह दिया आज मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैंने एक बार कह दिया मैं आज वहां नहीं जाऊंगा, इसको तरह तरह से बोलना शुरू कीजिए ना, एक बार में एक शब्द के अंदर नीचे उसको अंडरलाइन कर दीजिए, उस पर जोर दीजिए, उस पर मैंने कह दिया ना मैं आज वहां नहीं जाऊंगा, मैंने कह दिया मैं आज वहां नहीं जाऊंगा, मैं पे जोर दे दिया, मैंने कह दिया ना मैं आज वहां नहीं जाऊंगा, मैंने कह दिया ना मैं आज वहां नहीं जाऊंगा, कहीं और भेद तो चला जाऊंगा लेकिन वहां नहीं जाऊंगा, मैंने कह दिया ना मैं वहां नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अब एक ही सेंटेंस को कितनी तरह से आप बोल रहे हैं, ऐसे कोई एक सेंटेंस लीजिए, उसको जोर जोर से बोलना शुरू कीजिए, उच्चारण को सही कीजिए और खुल के बोलिए, जितना ज्यादा प्रोजेक्शन आप दे सकते हैं जोर जोर से बोलना शुरू कीजिए, तो आप में एक परिवर्तन आएगा, आप खुद देखेंगे, आपके जो गुरुदेव हैं
उनको भी समझ में आएगा तो जल्दी। और दूसरी चीज आप चालाकी किया कीजिए, जिस दिन कोई एक्टर रीडिंग में ना आए ना तुरंत उसकी रीडिंग शुरू कर दिया कीजिए, किसी के बोलने के इंतजार मत किया कीजिए, सर वो नहीं आया आज उसकी रीडिंग मैं करता हूँ। इन सब चीजों से सीखिए। कोई आज ब्लॉकिंग चल रही, रिहर्सल चल रही है, आज एक कलाकार नहीं आया है उसकी जगह डमी एक्टर बन के उसकी जगह आप रिहर्सल करना शुरू कर दीजिए। लेकिन उसके लिए जरूरी है उसकी ब्लॉकिंग आपको पता है, आप रोज बैठ के उसको देख रहे हैं, आपको पता है कि उसका मूवमेंट क्या है, तभी आप कर पाएंगे। इन सब चीजों से आप ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। रूपक, रूपक सर ने फेसबुक, मेरा मंच के फेसबुक पेज पर जब लाइव किया था, जब उन्हें नाटक कैसे लिखना चाहिए चाहिए, क्या क्या एलिमेंट हमको ध्यान रखना चाहिए, ये आप वहां जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है, थिएटर ज्वाइन करना चाहता हूँ तो आइए ज्वाइन कर लीजिए, कोई मनाही नहीं है। आज दिन अच्छा है, मुहूर्त अच्छा है। और हमारा रोज 3 बजे ये वेबिनार होता है, अलग अलग एक्सपर्ट आते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो जो नए जुड़े हैं उनसे मैं कह दूं कि यदि आपको कुछ सीखना है या कुछ नया सुनना चाहते हैं तो रोज जुड़िए, रोज हमसे बातें करिए। मेरा मंच के नाम से यूट्यूब पे सारी वीडियोस डली है, जितने एक्सपर्ट आए थे उन सबकी आप वहां जाके उनको सुन सकते हैं। और थिएटर समय मांगता है, बहुत रगड़ाई और घिसाई मांगता है। अगला कोई, एक किसी ने लेखन के लिए लिखा है। हाँ, मैंने वही उसीलिए उनको कहा कि सर आपका वो जो इंटरव्यू फेसबुक पे बता, हाँ वो उसमें बहुत कुछ आपने बहुत बढ़िया कहा है, उसको लेखन का ही पूरा है, बहुत बढ़िया है वो सर का इंटरव्यू, आप देखना, देखना चाहिए आप सबको। कोई और पूछने वाला है? हाँ, ये भी सर ने कहा था, ये भी निशांत आप इसको भी पहले वाले में देखिए कि एक निर्देशक के लिए क्या उससे पूर्व में उसे अभिनय करना जरूरी है, ऐसा कोई नियम तो नहीं है, लेकिन यदि एक एक्टर आगे कई सालों बाद यदि निर्देशक बनता है तो उसे अभिनय और कैसे अभिनय करवाना है उस बारीकियों पे बात करने के लिए बहुत सारा मसाला या प्लॉट मिल जाता है। जैसे इसके पहले एक हमारे एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने कहा था कि निर्देशक को यही नहीं मालूम कि इस कैरेक्टर को कैसे निकलवाना है, वो करके नहीं बता पा रहा था। तो ये सारी चीजें हैं। दरअसल किसी करेक्टर के बारे में अगर हम स्क्रिप्ट को एक बार, दो बार, चार बार पढ़ें, तो स्क्रिप्ट में संवाद के बीच में, लाइनों के बीच में ही हमें हर चरित्र का जो है करेक्टराइजेशन दिया होता है, उसमें मिल जाता है कहीं कहीं उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो बोलता कैसे है, चलता कैसे है, उसके परिवार में कौन लोग, थोड़ा हमें जो है पीछे का इतिहास मिल जाता है। अगर हम नाटक को बार बार पढ़ें तो हमें करेक्टराइजेशन करने में आसानी होती है, और थोड़ा बहुत हम डायरेक्टर से बात करके करेक्टराइजेशन कर सकते हैं। कपूर साहब, किसी स्क्रिप्ट का सफल या असफल होना बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वो मंच पर कितना सफल है। कोई बहुत अच्छे से लिखा गया नाटक है लेकिन मंच पे वो सफल नहीं हो पाता है तो ये पसंद नापसंद दर्शक तक हो जाती है। तो किसी नाटक के लिए क्या क्राइटेरिया है इसके लिए मेरे ख्याल से सर किससे आप रूबरू बात कर लीजिएगा। और एक कोई और है सर जो आपको ज्वाइन करना चाहता है तो मैं ये कहूंगी कि फेसबुक पर सर को ढूंढ कर उनसे बात कर लीजिएगा। आपका एड्रेस पूछ रहे थे कि दिल्ली में आपका ग्रुप कहाँ पर है। मेरा ग्रुप तो मैं कई लोगों के साथ काम करता हूँ। ये सीखना चाहते हैं या थिएटर करते हैं? सर करना चाहते हैं। करना चाहते हैं तो अभी दिसंबर तक तो कोई थिएटर करेगा भी नहीं, कोई भी नहीं कर रहा है अभी, तो कोई सब घर में बैठे हुए हैं, तो मोबाइल नंबर ले लेंगे, मेरे से बात कर लेंगे सर। मैं तो बस क्लासेस वगैरह चल रही है। हाँ, और बहुत सारा आप देखिए फेसबुक पर, यूट्यूब पे, सब दूर बहुत सारी चीजें है जो एकदम फ्रेशर है, उन लोगों के लिए ये बहुत खाद और पानी का काम करेगा। सबको सुनिए, सबको गुनिए, उसके बाद फिर बोलिए। जो लेखन के लिए बात की है, लेखन पे एक दो दिन का मेरा होने जा रहा है इसी महीने में, मैं बता दूंगा तो वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वो सिर्फ लेखन पर ही है दो दिन का, कि नाटक कैसे लिखा जाए इसी के ऊपर बातचीत है। कहाँ पर है सर वो? ये दिल्ली की यही संस्था है। मैं सर आप मुझे दे दीजिएगा,
तो मैं मेरा मंच पे इसको डाल दूंगी, तो यहाँ जितने भी सुनने वाले हैं वो मेरा मंच पे जाके देख सकते हैं कि सर की वेबसाइट या सर किस प्लेटफॉर्म पे बोलने वाले हैं। हाँ, वो लगभग 10 दिन की वर्कशॉप है, उसमें मनोज जोशी जी आ रहे हैं, अवतार सानी जी है जी, हाँ अच्छा, वो काफी लोग हैं उसमें, मेरा भी है, 2 दिन का मुझे भी लेखन के लिए कहा है जी जी, जैसे शुरू होगा मैं आपको बता दूंगा। हाँ सर, तो मैं मेरा मंच पे इसको पोस्ट कर दूंगी, और यूट्यूब पे मेरा मंच का बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, तो आप उनको भी देख सकते हैं, पहले जो हमारे वरिष्ठ गुरुजन आए उनके लिए। और सर मेरा एक सवाल है, हालांकि तो हालांकि मैं एजुकेशन को भी उतना ही मानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर में गुरु परंपरा, मतलब वैसे वो वाला गुरु नहीं, आप उसको वैसे मत लेके जाइएगा, लेकिन किसी के अंदर रहे कि आपको सीखना समझना और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ये मैं मानती हूँ। होना चाहिए, देखिए कोई ना कोई तो मार्गदर्शक हो, अगर यहाँ से मुझे ग्वालियर जाना हो, कोई तो हमें ग्वालियर का रास्ता बताने वाला हो कि ग्वालियर हम किधर से जाएंगे, कैसे जाना चाहिए, हो सकता है ग्वालियर पहुंचने के 4 रास्ते हो, लेकिन कोई एक रास्ता तो हमें कोई बताए। आपके साथ कोई थिएटर कर रहा है, आप एक स्कूल है, आप एक तरीका, आपका एक मेथड है काम करने का, लेकिन जैसे ही वो जेपी सिंह के पास आएगा, हो सकता है मेरा काम करने का तरीका अलग है। अगर कोई चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीखूं, ज्यादा से ज्यादा जानूं, ठीक है, आपके साथ 2-3 साल काम कर लिया, अब आप और किसी के पास जाइए, जो उससे 20 हो उसके पास जाइए, जो 17-18 पे हो उसके पास मत जाइए, नहीं तो जो आपको सीख चुके हैं ना वो सब भी बेकार हो जाएगा, उसके आगे निकलिए, किसी और के पास जाइए जो अच्छा हो, वहां सीखिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप सीखेंगे, कहीं आप जाके आप लोग धर्मी नाटक कर रहे हैं, कहीं जाकर आप संस्कृत नाटक कर रहे हैं, कहीं जाकर आप प्रयोग धर्मी नाटक कर रहे हैं, कहीं आप आधुनिक नाटक कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें जब सीख लेंगे तब आपको लगेगा। जैसे बंसी भाई थिएटर करते हैं, बंसी भाई के जिसमें है कि उनका फिजिकल वर्क बहुत होता है, उसमें काफी फिजिकल वर्क होता है, एक्रोबेट होता है, इस तरह काम करते हैं लेबोरिया, जब तक आदमी मेहनती नहीं होगा वो कर नहीं पाएगा। तो आप सतव्रत राउत के पास जैसे जाते हैं, जो वो थिएटर कराते हैं, उनका अपना तरीका है। रतन थियाम जी के पास जब जाते हैं तो वो उनका अलग तरह का। तो ऐसे जितने ज्यादा आप जगह जाएंगे उतने ही द्वार आपके लिए खुलेंगे, उतना आपका दिमाग खुलेगा, आप ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, ज्यादा से ज्यादा समझेंगे, फिर आपको इन सब चीजों को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। आप एक बीच का रास्ता अपना निकालिए और चलिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जो कुछ पाया है उसको अगली पीढ़ी को बांटते हुए फिर आगे जाइए। थैंक यू, थैंक यू सर। हमारा समय इस वेबिनार का यहीं खत्म हो रहा है। 120 मिनट हो गए। हाँ, अभी भी वर्तमान में लोग नाटक को ज्यादा, आपने 120 मिनट कहा था, किसने कहा, महत्व नहीं देते। आज भी हम लोग नाटक करने के पहले या हमारी एंट्री आने से पहले हमारी धड़कनें बढ़ जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप नाटक को आप किस तरह से ले रहे हैं, आप नाटक को कितना सीरियस तरीके से आत्मसात कर रहे हैं। क्या प्रश्न था इनका? सर प्रश्न ये था कि आज भी लोग नाटक को उतना सीरियस नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? सर समय खत्म होने वाला है, वीडियो कट जाए उसके पहले ही मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो प्लीज मेरा मंच पे आप प्रश्न छोड़ सकते हैं, वहां से आपको जवाब मिल जाएगा और मैं सर को वो जवाब पास कर दूंगी। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसी तरह हम एक दिन और मिलते हैं। अरे अभी और रह गया। हाँ सर, मिलने बोलने की कोई मनाही तो है नहीं। अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ थोड़ा जरा सर, मेरी क्लास हो जाएगी, क्लास के बाद लिखना शुरू होगा। नहीं अभी नहीं, 10-15 दिन बाद फिर एक और मीटिंग करें। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, सबको थैंक यू। बबली दी नमस्कार सर, सभी को नमस्कार।